एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसके मित्र का गांव काफी दूर था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में आगे चला जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक आदमी और मिल गया। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, तो आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ साथ चलने लगे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा ठीक है, और वह आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल वापस आ गया। और फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं। यहां पर एक छोटा सा मंदिर बना था, ठहरने की अच्छी व्यवस्था थी। पंडित के मित्र का गांव भी वहां से अभी काफी दूर था और रात्रि होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी लग रही है और भूख भी लगी है, हम यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं, कल सुबह आराम से आगे की तरफ सफर करेंगे और अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। महाकाल ने कहा ठीक है, मुझे भी इस गांव में किसी को कोई जरूरी सामान देना है, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद ही उस गांव में से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा कि यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि जरूर होती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर में फिर एक गांव आया तो महाकाल ने फिर पंडित जी से कहा, आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ देर में आपको आगे मिलता हूँ, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं काम करके आपसे मिलूंगा। यह कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि अब यह कहां जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वह मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप तो मुझे बड़े ज्ञानी मालूम होते थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे देंगे तो मेरी शंका समाप्त हो जाएगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राणों का हरण कर रहा हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित जी को पहले से ही इस बात की शंका होने लगी थी, फिर भी महाकाल के मुंह से सुनकर पंडित जी घबरा गए। लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित बिल्कुल सहम गया और सोच में पड़ गया, यदि वास्तव में यह यमदूत हुआ, इसकी यह बात भी सही होगी,
मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित जी को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की भी बात जान ली थी, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि यह महाकाल सचमुच में ही यमदूत है और वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, इसलिए पंडित पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि वो काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा था, लेकिन बचपन से ही गूंगे होने के कारण और एक पैर से अपाहिज होने के कारण वह पंडित के पास तक नहीं पहुंच पा रहा था और न ही पंडित को आवाज दे पा रहा था। इसलिए जैसे ही पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर यह क्या हुआ। महाकाल पंडित के मन की बात को समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत तो नहीं होती है ना, इसलिए हृदय आघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई है। वह तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब पंडित को पूर्ण विश्वास हो चुका था कि सचमुच यह महाकाल एक यमदूत ही है और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता, सभी जीवों को एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न हुई और उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ साथ क्यों चल रहे थे। महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता ही रहता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने, समझने और देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तो महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानने का न तो अधिकार है और न ही उसके लिए यह उचित है कि कोई भी अपनी मृत्यु के समय और कारण को जान पाए, क्योंकि यदि वो पहले से यह जान लेगा तो उसे दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो, तुमने अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने के बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल का पंडित के साथ चलते रहने का समय पूर्ण हो गया था और उसके साथ चलने का अब कोई कारण भी नहीं बचा था। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में सुनकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है, तो पंडित ने भी किया। पंडित विद्वान था,
इसलिए उसकी ख्याति उस राज्य के राजा तक थी। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। पंडित यह सोचते हुए राज दरबार में पहुंच गया और उसने वहां जाकर राजा को सारा वृतांत सुनाया। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो यह तो निश्चित है कि इसकी मृत्यु आने वाले 6 महीने के बाद ही होगी, और वह भी किसी दूसरे राज्य में। लेकिन दूसरे राज्य में मृत्यु तभी होगी जब यह दूसरे राज्य में जाएगा। अगर यह दूसरे राज्य में ही ना जाए तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को ठीक लगी। बहुत सोच समझकर राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के कारण स्वयं ही कहीं आना जाना पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और वह दिन भी आ गया जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए उस दिन पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए तो मृत्यु टल जाएगी। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी का उसे खुद भी पता नहीं था, अतः राजा के किसी वैद्य को बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और जेल से निकलकर अस्तबल में पहुंच गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने भी उसे न तो रोका और न ही किसी प्रकार की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजमहल पहुंच गया और महल के पहरेदार ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। सभी लोग रात्रि के अंतिम प्रहर होने के कारण नींद में थे और वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया जहां राजा और रानी आराम कर रहे थे। वहां पंडित भी जाकर लेट गया। हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोते हुए देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में वे पहुंचा कैसे। लेकिन वहां यह सब सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा तो वहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही क्रोधित होकर पंडित को फांसी पर चढ़ा देने की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी कुछ हिम्मत करके उसने राजा से कहा कि मैं यह नहीं जानता हूं कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा और यह भी नहीं जानता हूं कि मैं आपके शयन कक्ष तक कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब सच में होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी ही है? यह सुनकर तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने महाकाल से मिलने की पूरी कहानी राजा को बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी यह बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि तुम्हें महाकाल ने कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा,
लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा मेरा मित्र है। उसने तुरंत सैनिकों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता की परख की और उसका प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौटे और उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पूर्णतः सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा इससे अंतिम बार मिले थे। इसके बाद इस राज्य में यह कैसे पहुंचा इसकी जानकारी वहां किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर दंड के रूप में फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा गया तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दें। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और उसके प्राण बच जाएंगे। पंडित को यह पूर्ण विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा भी था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। धड़कन के साथ उसके गले से उनकी फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी, नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें, जितना भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा करके पूर्ण कर्तव्य परायणता से अपने कर्म करते रहने चाहिए। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।